सभापति महोदय, राजेश रंजन पप्पू यादव जी अभी उस इलाके की कहानी के साथ साथ कुशल संयोग से हमारा और उनका जन्म उसी मिथिलांचल के कोसी कमला बलान क्षेत्र में हुआ है। एक पैर बाढ़ में, एक पैर सुखाड़ में। जब नेपाल में पहाड़ पर पानी जोर से बरस जाए तो हम बाढ़ में डूबने लगते हैं, जब पहाड़ में पानी न बरसे तो अभी सुखाड़ में जल रहे हैं। फिर न जाने कब बाढ़ आ जाए। हथिया नक्षत्र में भी दो तीन बार बाढ़ आई है मेरी जिंदगी में, जब धान की लहलहाती फसलें बर्बाद हो जाती है, डूब जाती है, किसान बिल्कुल निर्धन और दरिद्र हो जाता है। ऐसे इलाके में हमारा जन्म हुआ है, उस मिथिलांचल के इलाके में। उस इलाके के लोग शुरू से गाते रहे हैं अपनी मैथिली भाषा में, कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनऊ नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। लेकिन आज तक न भोला बाबा सुन रहे हैं और न सरकार के द्वारा कुछ हुआ, वो दुख के दुख में पड़े हुए हैं। और गाते गाते रात में गाते गाते महिलाएं गाने लगती है कि अभी जल आंसू बहे नैनन से, अब तो दया करो हे राम कृपा करो। उस इलाके में जन्मने की उसकी दर्दनाक कहानी की मैं नहीं कह सकता हूं, अगर कहने लगूं तो इस सदन के ईंट के आंख से भी आंसू निकल पड़ेंगे। इतनी वेदना और इतनी दर्द के साथ उस इलाके के लोग 3 महीने तक जीवन जीते हैं। मैं केवल थोड़ा बहुत ये सुझाव देना चाहता हूं कि अगर किया गया होता बराह क्षेत्र में, कोसी में, सीसा पानी में, कमला बलान में और नूनथर में, अधवारा समूह में डैम बनाने का 2500 बरस से चर्चा चल रही है, लेकिन न तो भारत सरकार आगे बढ़ती है, न बिहार सरकार कुछ करती रही है। न जाने केंद्र के और बिहार के और नेपाल के इन तीनों के चक्कर में हम बाढ़ में और सुखाड़ में मरते रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि अब आगे बढ़े, नेपाल सरकार के साथ समझौता करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए हुए हैं, शायद मेरी बात वहां तक पहुंचे तो इस बात पर भी वो नेपाल सरकार से चर्चा करें और तीनों डैम का निर्माण हो जाए। उससे इतनी बिजली पैदा लेगी कि बिहार कौन कहे, आधे भारत को बिजली मिलेगी और हमारे खेत में कभी सुखाड़ नहीं रहेगा। हमारे दो फसल धान और गेहूं पैदा करते हैं, वह हमेशा हमारे फसल लहलाती रहेगी। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। बगहा से लेकर किशनगंज तक, उसी इलाके में माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी भी रहते हैं, बगहा से लेकर किशनगंज तक का जो इलाका है नेपाल के तराई के साथ साथ, हम जिस समय डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में थे उस समय उस इलाके में बाढ़ सुखाड़ अस्थाई निदान सम्मेलन करते थे और हम लोग तब से मांग कर रहे हैं कि तब से नहीं छोड़े नहीं है। जो कांग्रेस के शरणागत हुए उन्होंने विचारधारा छोड़ा। मैं कांग्रेस का विरोधी, मेरे गुरु थे, आज भी मैं कांग्रेस का विरोधी हूं। जो कांग्रेस का चरण चुंबन कर रहे हैं वो कांग्रेस लोहिया के विरोधी हैं। सभापति महोदय, अगर बगहा से लेके किशनगंज तक अगर नहर की खुदाई कर दी जाती, स्थिर रहिए, बोलने दीजिए, कभी बहस कर लीजिएगा, हमसे तो बहस करते करते बहुत लोहियाबादी थक गए। अब नया, आप तो लोहियाबादी कभी थे नहीं, हाँ आप कभी थे नहीं, स्थिर रहिए, शांति रहिए। इसलिए प्लीज प्लीज ऐसे आंदोलन करते रहे हैं कि बगहा से किशनगंज तक नहर नदी के पहाड़ के साथ साथ सीधे पश्चिम से पूरा तक नदी जोड़ दी जाए, जिससे उत्तर बिहार की, मिथिलांचल की सभी नदियां उसमें जुड़ जाए। अगर किसी नदी में बाढ़ आएगी तो पानी सभी नदियों में चला जाएगा और जिसके कारण बाढ़ की समस्या का निदान होगा। इसलिए नदियों को जोड़ो एक दूसरे तरह का है, लेकिन हम कहते हैं नदियां जोड़ो भी और इससे बाढ़ सुखाड़ के समस्या का निदान भी होगा। वो मिथिलांचल में है, बगहा से किशनगंज तक लंबी नहर खोद करके सभी नदियों को जोड़ देना। दूसरा है कि पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण हुआ, कोसी नहर का। पूर्वी कोसी नहर में कुछ सिंचाई हुई लेकिन बालू की समस्या से लोग पीड़ित रहे। पश्चिमी कोसी नहर अब तक अधूरे हैं, उसके रेखांकन गलत किए गए, डीपीआर गलत बनाया गया,
साइफन छोटा बड़ा होना चाहिए तो छोटा कर दिया गया, जहां साइफन होना चाहिए वहां साइफन नहीं बनाया, इसके कारण उस परेशानी है। इसलिए उसका फिर से डीपीआर बनाया जाए और फिर से उसका प्राकलन बना करके सुधार करके पश्चिमी कोसी नहर को शीघ्र पूरा किया जाए तो मिथिलांचल के अंदर बहुत समस्या का निदान हो जाएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि सभी आहार जो हमारे यहां आहार कहते हैं जो सिंचाई के स्रोत है, आहार पैन मृत नदियों के जितने बेड हैं और उसके साथ साथ तालाब और पोखरा है, ये सब की खुदाई क्यों नहीं करवाई गई? मनरेगा से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अगर इनकी खुदाई करा दी गई होती, सभी इन आहार पैन जितने मृत नदियों के बेड हैं या पुराने तालाब हैं, अतिक्रमण से ग्रसित हैं, उन पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया गया। इसके लिए अतिक्रमण कानून में नया संशोधन किया जाए और यह कहा जाए कि सड़क में, विद्यालय में, सिंचाई के स्रोत पर अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको नया कानून बना करके उस पर कार्रवाई की जाए। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, बना हुआ है इस पार्लियामेंट से, उसके तहत कार्रवाई की जाए, सब हमारी समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन इस सरकार को करना चाहिए। अंत में आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम उस बाढ़ में जन्मते हैं, उसी बाढ़ में पलते हैं, उसी बाढ़ में मरते हैं और मरने के बाद हमारी लाश भी बाढ़ के पानी में बहा दी जाती है, क्योंकि हमें जलाने के लिए कहीं सूखी जमीन नहीं रहती है। इस विपत्ति को जब हम झेलते आए हैं, कितने दिन तक झेलेंगे? इसलिए उस इलाके के लोगों ने बड़ी आशा विश्वास के साथ, उमंग उत्साह के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, उनको लोगों को जिता करके यहां भेजा। अब हम चाहते हैं कि एक अंत में कृषि मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी दोनों मिलके एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग के द्वारा एक बड़ी योजना बनाई जाए और उसके आधार पर काम किया जाए, उसमें नेपाल सरकार से भी समझौता किया जाए। अगर इतना कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में हमारे बच्चे रोएंगे नहीं और हम जो कखन हरब दुख मोर है भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख हरब दुख मोर, ये जो गाते गाते रोते आए हैं उससे निदान होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।